हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आयल्स अकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हमारा वो रूस की क्रांति के संबंध में दूसरा लेक्चर होगा, मतलब कि पार्ट टू। तो मैं बात करूं कि जो इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर दे में हमने क्या चीजें पढ़ी थी, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने जो पहला लेक्चर किया था रूस की क्रांति के संबंध में, उसमें हमने रूस की पूरी जो पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो उसमें उसके अंतर्गत हमने राजनीतिक परिदृश्य को देखा था कि किस किस प्रकार के शासक कब कब आए और उनके द्वारा कौन कौन से विशेष कार्य किए गए जिसके कारण वो प्रसिद्ध हुए। उसके बाद हमने रूस की सामाजिक स्थिति की भी बात की थी कि रूस में किस प्रकार विभिन्न जाति वर्ग संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। साथ ही रूस की धार्मिक स्थिति के बारे में भी बात की थी कि उस समय पर रूस का जो राजधर्म है, क्योंकि रूस में रोमानोव वंश शासन कर रहा होता है, उसका जो राजधर्म था वो यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च था, मतलब कि जो यूनान के चर्च प्राचीनतम चर्च जो जिन परंपराओं का अनुसरण कर रहे थे वही अनुसरण रूस में भी रोमानोव वंश कर रहा होता है। इसके अलावा रूस में अनेक धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि बात करूं कैथोलिक धर्म है आपका, प्रोटेस्टेंट धर्म है, यहूदी धर्म है इत्यादि। तो इसकी हमने बात की थी और साथ ही हमने बात की थी कि वर्ष 1904 और 5 में रूस जापान युद्ध के होने के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो यहां तक हमने अपने पहले पार्ट में चीजों को कवर किया था। अब उसके बाद चीजें जो हमने आरेख बनाया था उन आरेखों में था 1904-5 का रूस जापान युद्ध के बाद का जो प्रमुख घटनाक्रम है उस पर आज हमारी नजर होगी। तो आज हमारे पढ़ने का जो टॉपिक है उसका जो शीर्षक है वो है रूस की 1905 एवं 1917 की क्रांतियों के संबंध में प्रमुख घटनाक्रम क्या है। मतलब कि जो क्रांति 1904-5 में हुई और एक क्रांति हम पढ़ते हैं 1917 की क्रांति, तो 1904-5 की क्रांति और 1917 की क्रांति के मध्य का जो भी घटनाक्रम घटित हुआ रूस में, उन सभी घटनाक्रमों के बारे में आज हम यहाँ पर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपको वस्तु स्थिति का आकलन हो जाएगा कि 4 और 5 के बाद से 1917 के मध्य रूस में क्या क्या गतिविधियां संचालित हुई और किस प्रकार हुई, तो निश्चित रूप से आप 1917 की क्रांति की पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे और 1917 की क्रांति के होने के पीछे के कारणों को भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं। हमने देखा था कि जो 1904-5 की क्रांति हुई, मतलब कि 1904-5 की क्रांति 1905 की जो क्रांति हुई उसका जो प्रमुख कारण था वो रूस जापान युद्ध हुआ और उस युद्ध में चूंकि रूस की हार हुई थी, रूस भौगोलिक रूप से एक बहुत बड़ा देश था और जापान बहुत छोटा, तो जब हार हुई रूस की तो जो रूस की जनता के मध्य रूस की जो राजनीतिक स्थिति थी उस स्थिति के खोखलेपन का उजागर हुआ और जनता क्या हुई, सड़कों पर आ गई। हमने पढ़ा था कि एक पादरी था गैपोन के पादरी के नेतृत्व में रूस की जो पेट्रोगार्ड की जो जनता है वो जनता सड़कों पर उतर आई और रोमानोव वंश के शासक जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध जो है विद्रोह की भावना उनमें प्रबल हो चुकी थी, तो उसके विरोध को प्रदर्शित करने हेतु वो सड़कों पर उतर आए। सड़कों किस शहर की सड़कों पर, तो यहां पर नाम मिलता है पेट्रोगार्ड की सड़कों पर। ठीक है, याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति में जो स्थान पेरिस का है, रूस की क्रांति में वही स्थान पेट्रोगार्ड का है। अब ये पेट्रोगार्ड है क्या, क्योंकि हमने अभी देखा था कि रूस में रोमानोव वंश के एक महान शासक हुए जिनका नाम मिलता है पीटर महान। पीटर महान ने अपने शासन काल में ही रूस में सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की थी। ठीक है, तो जो पेट्रोगार्ड है, पेट्रोगार्ड का जो प्राचीनतम नाम है वो है सेंट पीटर्सबर्ग और फिर उसका नवीनतम नाम क्या रख दिया गया, पेट्रोगार्ड। और पेट्रोगार्ड के बाद इसका नाम पुनः चेंज होता है जब लेनिन का शासन स्थापित होता है और रूस में पहली साम्यवादी सरकार गठित होती है लेनिन के नेतृत्व में, तो इसी शहर का नाम रख दिया जाता है लेनिनग्राड। ठीक है, लेनिन के नाम पर। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन होता है 1991 में तो पुनः इस शहर का नामकरण जो है तो लेनिनग्राड से हटा करके और सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट ना हो इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया कि सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड और आपका पेट्रोगार्ड ये तीनों एक ही शहर के अलग अलग समय पर नाम है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब जनता जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध जो है सड़कों पर उतर आई तो राजा ने अपने खिलाफ हुए इन विद्रोहों
को कुचलने के लिए सैनिकों को आदेश दिया गोली चलाने का। अब चूंकि ये जो दिन था ये 22 जनवरी 1905 का दिन था, तो जब सैनिकों ने गोली चलाई तो लगभग 135 से 150 लोगों जो निर्दोष थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, हालांकि कसूर था सिर्फ इतना था कि उन्होंने राजा का विरोध किया था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां थी। तो विरोध करने के क्रम में जब सैनिकों ने गोली चला दी तो बहुत सारे निर्मम लोगों की हत्या हुई, और उसी हत्या को फिर रूस के इतिहास में खूनी रविवार की संज्ञा दी गई। जो कि 22 जनवरी का जो दिन था 1905 को, तो वो कौन सा दिन था आपका? संडे था, ठीक है। तो इसीलिए उस घटना को क्या नाम दिया गया? खूनी रविवार की। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क में भी आता है। चलिए अब इसके बाद बात करें, तो मैंने लिखा है कि ड्यूमा की स्थापना। ड्यूमा क्या है? ड्यूमा रशिया की संसद का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या राजा ने स्वयं की इच्छा से ड्यूमा की स्थापना की? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब चूंकि जब ये खूनी रविवार की जो घटना हुई, उस घटना की आलोचना लगभग लगभग सारे रूस में होने लगी थी, और राजा के विरुद्ध विद्रोह की जो भावना थी वो जनता में आ चुकी थी, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो कृषक वर्ग हो, अर्थात संपूर्ण वर्गों में जो है जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह की भावना प्रबल हो रही थी, और जनता के द्वारा लगातार जो है इस प्रकार की संस्था के गठन की मांग उठ रही थी। तो राजा को मजबूरन जो है इस ड्यूमा की स्थापना के संबंध में घोषणा की गई, और लगभग 30 अक्टूबर 1905 के दिन ड्यूमा की स्थापना जार निकोलस द्वितीय के द्वारा कर दी गई। अब जो कि ड्यूमा अभी तक जो था सारे अधिकारों का एकमात्र स्रोत था आपका जार निकोलस द्वितीय, मतलब कि सारे अधिकार, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, कि इन सभी क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार एकमात्र व्यक्ति को था, वो था शासक, और वो अपनी इच्छा अनुसार जो है तो कानूनों को हमको निर्मित करता था। लेकिन अब एक संवैधानिक संस्था, एक अभी वैधानिक संस्था गठित कर दी गई जो ड्यूमा के नाम से स्थापित थी। अब हुआ क्या, अब शक्तियों का विभाजन हो गया, ठीक है, कि जार निकोलस की क्या क्या शक्तियां होंगी वो डिफाइन कर दी गई, और ड्यूमा की क्या शक्तियां होंगी वो भी डिफाइन कर दी गई। कहने का मतलब अब कोई भी कानून पारित होगा तो वो ड्यूमा के ही द्वारा, या ड्यूमा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मतों के आधार पर, उनके बहुमत के आधार पर जो है अब कानून का निर्माण किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर राजा की जो शक्ति है वो कमतर प्रतीत होती है। तो यहीं से जो है तो गतिरोध प्रारंभ चालू होता है राजा और ड्यूमा के सदस्यों के मध्य। तो एक चीज यहां पर देखना आपको कि मैंने बताया कि ड्यूमा की स्थापना होती है 30 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। तो इस ड्यूमा के में, अब जैसे कि हमारी पार्लियामेंट जो है उस पार्लियामेंट में एक अध्यक्ष भी होते हैं, तो इस ड्यूमा के जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया? पीटर स्टॉलिपिन को बनाया गया, इस ड्यूमा का प्रधान बनाया गया पीटर स्टॉलिपिन को, ठीक है। अब इस ड्यूमा के जो सदस्य थे उन सदस्यों का निर्वाचन होता था वहां की जनता के द्वारा, और जनता के द्वारा चुनने के बाद जो है वो ड्यूमा के सदस्य बन सकते थे। अब हुआ क्या कि जब गतिरोध प्रारंभ चालू हो गया जार निकोलस द्वितीय के मध्य और ड्यूमा के सदस्यों के मध्य, तो राजा जो है, चूंकि अभी भी राजा के पास ड्यूमा को भंग करने का अधिकार था, अभी अगर मैं वर्तमान समय में बात करूं तो जो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके पास यह अधिकार है कि वह किसी भी वक्त जो है तो ड्यूमा को भंग करके पुनः निर्वाचन या चुनाव करवा सकते हैं। तो उस समय पर जो जार निकोलस द्वितीय था, जार निकोलस द्वितीय ने उस ड्यूमा को, वो उस अगर उसके बातों को ना सुना जाए, राजा की बातों को ना सुना जाए, तो वो क्या करता था? उसके पास सिर्फ एक ही शक्ति थी कि वो ड्यूमा को पुनः बार बार भंग करता चला गया। तो ड्यूमा की स्थापना हुई वर्ष 1905 में, और 1905 के बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 या 12 वर्षों के अंदर उसने 6 बार जो है, इस 4 बार जो है तो ड्यूमा को उसने भंग कर दिया, ठीक है। एक बार 1906 में किया, 1907 में किया, फिर 1912 में भी इसलिए 2 बार भंग कर देता है। तो निश्चित तौर पर जो ड्यूमा की जो कार्यवाहियां होती हैं, उस ड्यूमा की कार्यवाहियों में भी व्यवधान पैदा होता है, जो कि वो बार बार भंग करके पुनः निर्वाचन कराया जाए। तो इस प्रकार से ये जो गतिरोध प्रारंभ होता है ये लंबे समय तक चलता है, ठीक है। अब आपको देखना यह है कि अब इसी के बाद, मैंने अभी बताया आपको कि लगभग 6 वर्ष के अंदर ड्यूमा को 4 बार जो है तो भंग किया जाता है, 1912 की तक जो है भंग करता है जार निकोलस द्वितीय।
तो ये गतिरोध जो है 1912 तक चलता रहता है। इसके बाद का जो टर्म है आपका वो है आपको देखना है प्रथम विश्व युद्ध में भाग, ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रशिया ने भाग क्यों लिया। आपको पता है कि जो पहला विश्व युद्ध है वो जुलाई 1914 से प्रारंभ होता है और 1918 में खत्म होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन इतने लंबे समय तक यह विश्व युद्ध जो है चलता है और लगभग संपूर्ण विश्व के 60 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया और करोड़ों लोग या करोड़ों सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लेने के कारण ही इस युद्ध की को किस प्रकार की संज्ञा दी गई, विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई थी। तो चलिए ठीक है, जब हम विश्व युद्ध को टॉपिक को पढ़ेंगे तब वहां पर पृष्ठभूमि में ये सारी चीजें आपको सुनने मिलेंगी। तो बात ये उठती है कि रूस जो है वो विश्व युद्ध में शामिल क्यों हुआ। इसके पीछे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जर्मनी के एकीकरण में भी का जो जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उस एकीकरण में भी रूस के विरुद्ध जो रणनीतियां अपनाई गई बिस्मार्क के द्वारा वो भी आपको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद बात करूं कि जो क्रीमिया समस्या होती है या जो बाल्कन देशों की समस्या होती है, जो पूर्वी देशों की समस्या होती है जिसे कि 1854 से लेकर 1856 के मध्य लड़ा गया क्रीमिया युद्ध, और कहा जाता है कि क्रीमिया युद्ध के ही कीचड़ में इटली का पुनर्जन्म हुआ, ठीक है। तो उस युद्ध में भी चूंकि वो टर्की और रशिया के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है, तो अब इस युद्ध में भी इस हालांकि इसका कोई निर्णय तो नहीं निकल सका लेकिन फिर भी टर्की के सपोर्ट में आपका रशिया फ्रांस आता है, इंग्लैंड आता है और ऑस्ट्रिया आदि देश जो है शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण इसका कोई परिणाम तो निश्चित तौर पर नहीं निकल पाता। लेकिन कहीं ना कहीं 1904 और 5 में हुए रूस जापान युद्ध के कारण रूस की जो प्रतिष्ठा थी संपूर्ण परिदृश्य में, यूरोप के परिदृश्य में या वैश्विक परिदृश्य में, वो बहुत हद तक धूमिल हो चुकी थी कि एक छोटे से राज्य ने इतने बड़े विशाल देश को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं उस पराजय का बदला लेने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए रूस जो है इस युद्ध में शामिल हुआ मित्र राष्ट्रों की ओर से। तो मित्र राष्ट्र और यहाँ पर दो गुट होते हैं, आपको समझना है यहाँ पर कि जो विश्व युद्ध हुआ वो दो गुटों के मध्य हुआ और एक गुट का नाम था आपका मित्र राष्ट्र संघ, मतलब कि मित्र राष्ट्रों का गुट, और दूसरा था आपका ट्रिपल अलायंस ग्रुप, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं ट्रिपल अलायंस ग्रुप। तो मित्र राष्ट्रों में आपके जो है तो इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड के साथ फ्रांस है, फ्रांस के साथ आपका रूस शामिल हो जाता है, और इधर जो है आपका ट्रिपल अलायंस ग्रुप में जर्मनी है, आपका ऑस्ट्रिया है, आपका टर्की है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं विश्व इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो ये एक देश किसी न किसी कालानुक्रम में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और कालांतर में मित्रवत संबंध स्थापित करके इन्होंने दो गुटों का निर्माण कर लिया और उसी गुट के कारण जो है ये प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। अब इसके तात्कालिक कारणों में आप जाएंगे तो वहां पर भी एक अलग बात हमें समझ में आती है कि ऑस्ट्रिया ने जो है तो चूंकि सर्बिया ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया था और चूंकि उसका भी एक अलग सा कारण मिलता है ना कि जो बोस्निया है, बोस्निया और हर्जेगोविनिया, तो बोस्निया की राजधानी में जो साराजोवा राजधानी थी वहां पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है और जिसका ठीकरा फोड़ा जाता है सर्बिया के सिर पर। तो ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने के पश्चात ही यह प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है जुलाई 1914 को, ठीक है। तो ये तो बात थी कुछ पृष्ठभूमि की, लेकिन बात ये थी कि जापान से पराजय का बदला लेने के लिए रूस जो है इस विश्व युद्ध में शामिल हुआ। लेकिन चूंकि उस समय पर रशिया की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो इतने इस विश्व युद्ध के खर्चों का वहन कर सके, चूंकि सैनिकों को भेजना है और रूस ने सैनिकों को भेजा भी, तो उन सैनिकों की जो रसद की पूर्ति है, मतलब कि खाने पीने का सामान, साथ ही जो आपके शस्त्र और शस्त्रों का जो खर्चा है उस खर्चे को वहन करने की स्थिति में भी उस समय पर रूस सही नहीं था। तो हुआ क्या कि अब 1914 में रूस जो है तो शामिल तो हो गया मित्र राष्ट्रों की ओर से, लेकिन 1915 तक आते आते कई मोर्चों पर रूस की जो है तो पराजय होनी शुरू हो गई। उसके कई सारे जो सैनिक थे वो भी मौत के मुंह में समा चुके थे, मर चुके थे। अब हुआ क्या, जो कि अपने वर्चस्व की लड़ाई थी तो युद्ध में बने तो रहना है, तो अब जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया कि रूस के जितने भी कृषक वर्ग हैं, जितने भी खेती करने वाले किसान लोग हैं,
साथ ही उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक लोग हैं उनको उसने सेना में जबरदस्ती जो है भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक सेना तो थी नहीं, वो तो एक बेचारे कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, जिनको ना तो कभी उन्होंने लड़ाई लड़ी है ना तो कभी वो सेना का हिस्सा रहे हैं, तो जबरदस्ती कर करके उन्हें जो है युद्ध में भेज दिया गया। तो यहां पर मैंने देखिए बताया कि 1915 में जो है तो कई मोर्चों पर रूस की हार हो चुकी थी, लगभग वो अपना कई जो जर्मनी के साथ पराजय हुई और कई सारे अपने भूभाग को वो खो भी चुका था। तो 1916 तक आते आते कृषकों और श्रमिकों को उसने सेना पर जबरदस्ती भर्ती करना चालू कर दिया। अब इसका सोचिए कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव आपको अगले वर्ष दिखाई पड़ेगा। तो 1917 तक आते आते हुआ क्या, रूस में एक तरफ सेनाएं जो है युद्ध लड़ रही है और दूसरी तरफ वहां की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी तो आपको नजर देखना पड़ेगा। तो 1917 तक आते आते चूंकि कृषकों को भेजा गया, श्रमिकों को भेजा गया, अब आप कृषकों को भेज दोगे जाओ आप लड़ाई लड़ो आप युद्ध लड़ो तो खेती कौन करेगा। हुआ भी यही, इसका नकारात्मक प्रभाव रशिया की अर्थव्यवस्था में पड़ा कि अब कृषक बचे नहीं है खेती करने के लिए, जो घर की महिलाएं हैं वही थोड़ी बहुत जो उनसे बनता है वो खेती के कार्यों को संपन्न करती हैं। लेकिन उत्पादन अनाजों का उत्पादन ना होने के कारण रशिया में भूखमरी बढ़ गई। ठीक है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, भूख से कई सारे व्यक्तियों की वहां पर मृत्यु भी हुई। अब उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को आपने युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया तो कारखानों में काम कौन करेगा, वस्तुओं का उत्पादन कैसे होगा। तो निश्चित तौर पर अब सारी कृषि व्यवस्था ठप पड़ चुकी थी, उद्योग बंद होने की कगार पर थे। ठीक है, वस्तुओं के दाम जो है वो ऊंचाइयों को छू रहे थे क्योंकि जमाखोरी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, कालाबाजारी स्टार्ट हो गई थी तो वहां पर वस्तुओं के दाम में भी काफी वृद्धि हुई जिसको खरीदने में लोग असमर्थ थे। तो इस प्रकार से वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम से क्या हो गई, वो चरमरा गई। तो इसका भी विरोध लोग करने लग गए। ठीक है, तो अब आपको यही मैंने बताया कि 1917 में कृषि व्यवस्था में काफी हराश हुआ, उद्योग बंद होने की हालत में आ गए, जमाखोरी स्टार्ट हो गई और जिसके कारण हुआ क्या कि मूल्यों में वृद्धि हुई। ठीक है, अब आपको देखना है कि हमने शुरू किया था 1905 कुनी रविवार से, फिर ड्यूमा की स्थापना होती है और इसके बाद जो है तो हम अब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, 15 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 17 तक आते आते रूस की स्थिति क्या हो गई, यहां तक हम अभी देख चुके हैं। अब जो है तो अब आपको थोड़ा सा चूंकि अब क्रांति 1917 की क्रांति हमने पढ़ा देख रहे हैं अभी कि यहाँ पर दो प्रकार की क्रांतियों को हम पढ़ते हैं, एक फरवरी मार्च की क्रांति को और एक अक्टूबर और नवंबर की क्रांति को। तो वहां तक पहुंचने के लिए किस किस क्रम में अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए कि 7 मार्च को क्या स्थिति होती है। 7 मार्च को स्थिति यह है कि चूंकि अभी आप थोड़ा सा रशिया की पृष्ठभूमि को समझ पाए होंगे कि एक तरफ रूस की सेना जो है युद्ध लड़ रही है और दूसरी तरफ रूस की जो आंतरिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से बदहवाली की स्थिति में आ चुकी है। ठीक है, अब इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए जनता जो है पुनः सड़कों पर उतर आती है। ठीक है, अब लोग जो है जुलूस निकालते हैं और वो जुलूस जो है अब पहले तो शांतिपूर्वक जुलूस निकालते थे, अब वो जुलूस काफी हद तक हिंसात्मक भी हो चुका है। तो इस जुलूस या इस प्रदर्शन को दबाने के लिए निकोलस दुती ने पुनः सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें जो है गोली मार दी जाए। तो अब जो है सैनिक भी रूस की निरंकुशता या जो शासक है जार निकोलस दुती उसकी निरंकुशता से वो भी काफी परेशान हो चुके हैं क्योंकि सारी वस्तु स्थिति को तो वो भी देख रहे हैं। तो उन्होंने गोली चलाने से क्या कर किया, मना कर दिया कि नहीं हमें गोली नहीं चलाना है। तो निश्चित रूप से ये राजा के आदेशों का उल्लंघन था। तो अब इस हद तक ये स्थिति पहुंच चुकी है कि अब शासक के सैनिक भी राजा के आदेशों का उल्लंघन करने लग गए हैं। तो अब चार निकोलस द्वितीय को वस्तु स्थिति का आकलन होता है कि वाकई में रूस में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर देखें 8 मार्च को क्या हुआ। अब अभी तक क्या था, अभी मैंने आपको बताया कि जो कि कृषकों को श्रमिकों को कहां भेज दिया गया, सेना में, कि आप जाओ आप युद्ध लड़ो। तो अब ये युद्ध लड़ने गए तो घर का परिवार का पालन पोषण खर्चा कैसे वहन करेंगे लोग, तो इनकी जगह पर अब महिलाओं ने काम करना चालू कर दिया। जिन महिलाओं ने को खेती करना आता है उन्होंने खेती का काम किया, जिन महिलाओं को उद्योग में काम करने का मौका मिला उन्होंने उद्योगों में भी काम किया। लेकिन अब चूंकि उनका सिर्फ और सिर्फ उद्योगों में जो पूंजीपति वर्ग था उनके द्वारा भी सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जा रहा है।
ठीक है, कि आप काम करो ना, तो टाइम से वेतन मिल पा रहा है, ना तो उनके खाने की व्यवस्था है, ना तो उनके रहने की व्यवस्था है, ना तो उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना तो उनके बच्चों की शिक्षा की कोई भी व्यवस्था पूंजीपतियों के द्वारा की जा रही है। तो अब हुआ क्या कि इन महिलाओं ने भी एकदम उद्योगों में से काम करना बंद कर दिया, और उन्होंने भी इन व्यक्तियों जो ये सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे इनका साथ देने के लिए ये भी सड़कों पर आ गई। तो अब 8 मार्च की स्थिति ये है कि अब रशिया के उद्योग जो है पूरी तरह से बंद हो गए, अब उत्पादन का काम हो ही नहीं रहा है। तो यही 8 मार्च देखिए महिलाओं ने भी काम करना बंद कर दिया, और संभवतः ये पहली ऐसा प्रयास है महिलाओं के द्वारा जो जिन्होंने सड़कों पर उतर करके और अपने शासक के विरुद्ध जो है मोर्चे को संभाला। 8 मार्च, 8 मार्च को याद देखकर कुछ आपको याद आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब स्थिति आती है 10 मार्च 1917 की। 10 मार्च तक आते आते क्या हुआ, हमने लिखा यहाँ पर कि उद्योग लगभग लगभग मतप्राय हो चुके थे, वो बंद हो चुके थे, उत्पादन का कार्य जो है अब वहां से नहीं हो रहा है। अब 12 मार्च को क्या हुआ, 12 मार्च को हुआ कि जो श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग और सैनिक वर्ग, जो बचे कुछ सैनिक हैं और जो मजदूरों में काम करने वाले और जो बचे हुए श्रमिक हैं, उन्होंने आपस में मिलकर के एक क्रांतिकारी सोवियत संघ बनाया, मतलब एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था क्रांतिकारी सोवियत संघ। ठीक है, अब इस सोवियत संघ ने क्या किया, इस सोवियत संघ ने, इस क्रांतिकारी सोवियत संघ ने इन जो व्यक्तियों के द्वारा जो वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे थे, उस प्रदर्शन का नेतृत्व अब इस पार्टी के द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, और बाद में फिर क्या हुआ, लगभग 14 मार्च तक आते आते इसी पार्टी के द्वारा, चूंकि अब आप पढ़ेंगे कि जो क्रांतिकारी सोवियत संघ है, और साथ में आप पढ़ेंगे कि मोन्सेविक दल है, मोन्सेविक दल हम पढ़ेंगे, मोन्सेविक दल का जो प्रमुख नेता था वो था आपका अलेक्जेंडर केरेंस्की। ठीक है, तो इन लोगों ने मिलकर के क्या है कि अब जितने भी सरकारी भवन थे उन सारी सभी सरकारी भवनों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया, और जो शासन शक्ति थी वो उन्होंने अपने हाथों में ले ली। तो अब इसके बाद 14 मार्च 1917 को रूस में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, और 15 मार्च को जार निकोलस द्वितीय था वो अपना सिंहासन जो है छोड़ करके अपने जो छोटा भाई था उसका ग्रैंड ड्यूक ऑफ माइकल उसके हक में वो अपनी गद्दी छोड़ करके और स्विट्जरलैंड चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 मार्च 1917 में रूस में क्या हुआ, जारशाही मतलब 300 वर्षों से चला आ रहा जो रोमनोव वंश था, उस रोमनोव वंश की समाप्ति हो चुकी है यहां पर। ठीक है, अब होता क्या है, अब इसके बाद आप यहां पर पुनः पहुंच जाएं इसके बाद, तो देखिए ये पूरा सीरियल एक क्रम से चल रहा है। हमने बात की थी खूनी रविवार के बाद ड्यूमा की स्थापना के बाद प्रथम विश्व युद्ध में रूस क्यों ने क्यों भाग लिया। ठीक है, इसके बाद 14 में भाग लिया, 15 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ। जब 17 में चूंकि ये क्रांति होती है तो फिर हम थोड़ा बहुत डेट वाइज बात की कि किस दिन जो है तो कौन कौन सी घटनाएं क्रमशः घटित हुई, और 15 मार्च को हमने पढ़ा कि जार निकोलस द्वितीय ने अपना सिंहासन जो है अपने छोटे भाई के हक में त्याग करके वो स्विट्जरलैंड चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, चूंकि अब एक अस्थाई सरकार का गठन हुआ रूस में, अब इस अस्थाई सरकार में थे कौन कौन से लोग, तो मैं बात करूं कि क्रांतिकारी सोवियत संघ के भी लोग थे यहां पर, यहां पर आपके मोन्सेविक दल के भी मेंबर थे, साथ में यहां पर आपके ड्यूमा के मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स ने मिलकर के एक अस्थाई सरकार का गठन किया। ठीक है, लेकिन कहा जाता है, कहा यह जाता है कि इस अस्थाई जो कि अभी जो इसी क्रांति को, ये जो क्रांति, ये क्रांति ही है, मतलब कि जार निकोलस द्वितीय ने अपनी सिंहासन को त्याग दिया और फिर वहां पर अस्थाई सरकार गठित हुई, और इसी घटना को क्या कहा गया, फरवरी व मार्च की क्रांति, जो कि 1917 में संपन्न हुई। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। ठीक है, कि अब मैं थोड़ा सा बात ये कर रहा था कि जो क्रांतिकारी सोवियत संघ है, साथ ही मोन्सेविक दल के जो लोग हैं, साथ ही ड्यूमा के जो मेंबर हैं, उन सारे लोगों ने मिलकर के रूस में एक अस्थाई सरकार की स्थापना की। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इन सारे पार्टियों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध, और जार निकोलस द्वितीय ने अपनी सिंहासन का त्याग कर दिया, बस यही तो क्रांति हुई, और इसी क्रांति को क्या कहा गया, फरवरी व मार्च की क्रांति। अब यहां क्वेश्चन ये उठता है कि फरवरी
या मार्च, मतलब यहां पर 2 महीनों के नाम क्यों लिखे, या तो आप फरवरी की क्रांति बोले या तो मार्च की क्रांति बोले, ठीक है। यहां पर देखेंगे, यहां पर मैंने लिखा कि अक्टूबर या नवंबर की क्रांति, तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक रीजन मिलता है, क्योंकि इस समय का जो रूस है उस रूस में एक कैलेंडर चलता है जो कि प्राचीनतम पद्धति के पर आधारित था, जिसका नाम मिलता है आपको जूलियन कैलेंडर, ठीक है, जूलियन। अब देखें, जो अभी हम लोग अपने घरों में जो कैलेंडर यूज करते हैं, मतलब इस समय की अगर मैं बात करूं तो लगभग विश्व के सभी देशों में जिस प्रकार का जो कैलेंडर यूज होता है वो ग्रेगोरियन प्रकार का कैलेंडर होता है, ठीक है। इन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर मिलता है, एक है आपका जूलियन कैलेंडर और दूसरा है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इस समय तक, लगभग 1970 तक, रूस के में कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? जूलियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर के अगर अनुसार आप बात करेंगे तो यह क्रांति कब संपन्न हुई? फरवरी में संपन्न हुई। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आप बात करेंगे तो यह क्रांति कब संपन्न हुई? मार्च में संपन्न हुई, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो हमेशा जो है तो 13 दिन आगे चलता है जूलियन कैलेंडर से, ठीक है। कहने का मतलब इन दोनों कैलेंडरों में लगभग लगभग 13 दिन का जो है अंतर पाया जाता है। सामान्य वर्षों में अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो वहां पर यह अंतर जो है तो 14 दिन का हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप जूलियन कैलेंडर के हिसाब से बात करेंगे तो यह जो संपूर्ण क्रांति हुई, जो जिसको हम मार्च 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 लिख रहे हैं, ये कब हो जाएगा फिर? वो इससे आप 13 दिन जो है तो पीछे चले जाएंगे, है ना, सभी में। अगर ये 7 मार्च की है तो आप इससे 13 दिन पीछे चले जाएं, यहां पर 15 मार्च को हुआ तो आप इससे भी 13 दिन जो है तो पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर बात होगी ग्रेगोरियन कैलेंडर की तो फिर यही डेट यहां पर लिखी जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार अक्टूबर नवंबर में भी यही हुआ कि जूलियन के अनुसार वह जो क्रांति हुई, जहां पर अस्थाई सरकार को पदच्युत करके और प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की जाती है बोल्शेविक दल के नेतृत्व में लेनिन के द्वारा, तो यह अगर आप जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो अक्टूबर में होगी, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो यही क्रांति कब होती है आपकी? नवंबर में होती है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर यहां पर कोई अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके, वैसे होनी तो नहीं चाहिए। यहां पर सिर्फ आप समझना है आपको जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो प्राचीनतम कैलेंडर था वो जूलियन है, और जो हम वर्तमान दिनों में हम यूज करते हैं अपने घरों में भी वो है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो जूलियन कैलेंडर जो है वो 13 दिन पीछे चलता है ग्रेगोरियन से, ठीक है। तो अब देखते हैं जो 1917 की जो क्रांति है, इसके बाद देखिए हमने लगभग ये सारी चीजों को कवर कर लिया। अब ये जो 1917 की क्रांति को हम 2 अध्यायों में बांट कर पढ़ते हैं, और वो जो 2 अध्याय है वो आपके फरवरी और या मार्च की क्रांति है, और दूसरा है आपका अक्टूबर व नवंबर की क्रांति, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि फरवरी व मार्च की क्रांति क्या है, तो निश्चित तौर पर आप इन सभी घटनाक्रमों का आप उल्लेख कर सकते हैं, और साथ में यह भी बता सकते हैं कि क्रांतिकारी सोवियत संघ, ड्यूमा और साथ ही साथ मेंशेविक दल के जो मेंबर थे उन लोगों ने संयुक्त रूप से जो है तो विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किया जार शासक के विरुद्ध, और जिससे क्या हुआ कि जार निकोलस द्वितीय ने अपना सिंहासन त्याग दिया और वहां पर एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। यही घटना क्या कहलाती है? फरवरी को हमारा या मार्च की क्रांति, जो कि 1917 में संपन्न हुई, ठीक है। अब इसके बाद जब अस्थायी सरकार गठित हुआ रूस में, तो एक मंत्रिमंडल भी बनाया जाता है, और उस मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वो प्रिंस गलबोव को बनाया जाता है, प्रिंस गलबोव को। साथ में अलेक्जेंडर करेंस्की हैं आपके, अलेक्जेंडर करेंस्की को न्याय मंत्री का पद दिया जाता है। फिर एक अक्टूबरिस्ट दल के नेता होते हैं गुस्काव, गुस्काव को युद्ध मंत्री बनाया जाता है। युद्ध मंत्री का मतलब आप तो समझ सकते हैं जो आपका डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक व्यक्ति और है मिल्यूकाव, मिल्यूकाव को फॉरेन मिनिस्टर अर्थात की विदेश मंत्री का पद दिया जाता है। अब जार निकोलस द्वितीय जो है तो रूस को छोड़कर जा चुके हैं, अब अस्थाई सरकार गठित हो चुकी है। लेकिन यहां पर आपको देखना है कि इन लोगों ने, चूंकि क्रांति का प्रारंभ किसने किया? क्रांति का प्रारंभ तो मजदूर और श्रमिक वर्गों ने किया, कृषक वर्ग ने किया, ठीक है। तो क्रांति किया इन लोगों ने, लेकिन अब जो रूस की जो शासन व्यवस्था थी वो किसके हाथों में आ गई? वो अब पुनः जो है जो पूंजीपति वर्ग के हाथों में आ चुकी है, मध्यम वर्ग के हाथों में आ चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो इस अस्थाई सरकार के द्वारा कुछ सुधारात्मक कदम भी उठाए जाते हैं, और उन सुधारात्मक कदमों में
आपका राजनीतिक घोषणा की जाती है और साथ ही साथ स्वतंत्रता संबंधी घोषणा भी इस अस्थाई सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि राजनीतिक घोषणा में किन बातों का उल्लेख था, तो यह अस्थाई सरकार के द्वारा राजनीतिक घोषणा की जाती है कि अभी तक रूस में जितने भी युद्धबंदी के रूप में लोग बंद हैं, मतलब कि जो जार निकोलस द्वितीय ने जिन लोगों को बंद कर दिया था जेलों में, कैदखानों में, उन लोगों को पुनः मुक्त कर दिया गया। साथ ही अब बोला गया कि अब रूस में जो है एक संविधान का निर्माण कराया जाएगा और जो संविधान सभा के जो मेंबर होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे, चुने जाएंगे, ठीक है। और साथ ही ये बोला गया कि चूंकि हम जानते हैं कि रूस में विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग थे, तो जो जार निकोलस द्वितीय ने जो एक जार एक धर्म और एक एक रूस की जो बात कही थी, जिससे कि ऐसी नीतियों का निर्माण किया गया था उसके द्वारा कि या तो जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं वो पुनः राजधर्म को माने रूस के, या तो वो रूस को छोड़कर के चले जाए। तो बहुत सारे लोगों ने रूस को छोड़कर वो अन्य देशों में भी चले गए थे, तो उनको पुनः जो है रूस में बसने की अनुमति भी दे दी गई थी कि आप पुनः रूस में वापस आ सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ राजनीतिक घोषणा भी की गई और साथ ही कुछ स्वतंत्रता संबंधी घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत भाषण प्रेस है, लिखने लेखन की जो स्वतंत्रता है वो लोगों को पुनः प्रदान की गई। क्योंकि अभी तक जार के जो शासनकाल में लोगों को ना तो भाषण करने का अधिकार था और ना ही उसके विरुद्ध कुछ लिखने का अधिकार था, तो इस अस्थाई सरकार ने अब लोगों को पुनः इस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान कर दी। साथ ही मजदूरों को, श्रमिकों को जो है तो संघ बनाने की भी अनुमति दे दी गई, जो कि इससे पहले लोगों को नहीं थी, ठीक है। और जो यहूदी धर्म थे, यहूदी धर्म के विरुद्ध जो भी कानून निर्मित किए गए थे जार के शासनकाल में, उन सभी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ घोषणाएं जो है अस्थाई सरकार के द्वारा किया जाता है रूस में। इसके बाद अब अस्थाई सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी होती है। चुनौतियां ये कि अभी रूस जो है मित्र राष्ट्रों की ओर से विश्व युद्ध में अभी लड़ाई लड़ रहा है, तो इस विश्व युद्ध में रूस लड़ाई जारी रखेगा मित्र राष्ट्रों की ओर से या नहीं, इस पर भी अभी उनको बात करनी थी अस्थाई सरकार को। तो अस्थाई सरकार ने बोला कि रूस अभी मित्र राष्ट्रों से जो है की ओर से विश्व युद्ध जो है लड़ता रहेगा। और एक और बात होती है कि अस्थाई सरकार के द्वारा एक और घोषणा की जाती है कि जो संपत्ति संबंधी अधिकार हैं वो लोगों को अधिकार हैं वो वैसे के वैसे बने रहेंगे जो रूस जो जार के शासनकाल में भी थे। तो इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है रूस की जो कृषक जनसंख्या है, जो श्रमिक जनसंख्या है उस पर, क्योंकि अब ये लोग त्रस्त आ चुके थे, क्योंकि जार जा चुका है। अब इनका मानना था कि जो रूस है वो विश्व युद्ध से हट जाए, ठीक है, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम जर्जर हो चुकी थी। तो इनकी बातों का ध्यान इनकी बातों पर, मतलब जो जनता के द्वारा मांग की जा रही थी उनकी बातों पर अस्थाई सरकार के द्वारा कोई भी प्रमुख ध्यान नहीं दिया गया और उल्टा यही कह दिया गया कि रूस जो है युद्ध जारी रखेगा। और संपत्ति संबंधी अधिकार, मतलब मानना यह था कि चूंकि यह क्रांति श्रमिक और कृषक वर्गों के द्वारा की गई थी, तो जो पूंजीपति वर्ग ने जो संपत्ति इकट्ठा की थी उस संपत्ति को लेकर के सरकार के द्वारा और इन्हीं मजदूर और कृषकों पर बांट दिया जाएगा, लेकिन यह भी नहीं किया गया। इन्हीं दोनों बातों का फिर मौका या फायदा, जिसको हम बोलते हैं फायदा उठाता है आपका कौन, लेनिन उठाता है, ठीक है। और फिर जो है अक्टूबर और नवंबर की क्रांति की जाती है। तो चलिए अब अक्टूबर नवंबर की क्रांति को समझने से पहले थोड़ा सा हम लेनिन के बारे में जान लेते हैं कि लेनिन वास्तव में कौन था। तो एक व्यक्ति है लेनिन, तो इसका नाम बहुत पहले पड़ता है, ठीक है। इसका वास्तविक नाम क्या है लेनिन का, इसका वास्तविक नाम है, इसका पूरा नाम हम बात करें तो व्लादिमीर इलियच उलियानोव, इसका वास्तविक नाम है व्लादिमीर इलियच इलियानोव, इसका वास्तविक नाम है। इसका जो जन्म होता है वो 22 अप्रैल 1870 में रूस के एक वोल्गा नामक स्थान पर होता है, वोल्गा, ठीक है। ये तो जन्म हुआ 22 अप्रैल 1870 में, यहां पर ही मैंने लिख दिया कि 21 जनवरी 1924 को इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसकी मृत्यु होने के बाद एक स्टालिन है, आप स्टालिन का नाम आपने सुना होगा कि फिर उन्होंने शासन को संभाला लेनिन के बाद।
तो ठीक है, 22 अप्रैल को 1870 में वोल्गा में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया व्लादिमीर इलियच उलियानोव। इसके पिता का नाम था निकोलियाविच उलियानोव और माता का नाम है मारिया अलेक्जेंड्रोवना उलियानोव। ठीक है, इनके तीन भाई और तीन बहन रहती हैं और लगभग लगभग 1885 तक आते आते इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और चूंकि इनका जो संपूर्ण परिवार होता है वो सारा परिवार क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करता है। क्रांतिकारी गतिविधियों से मतलब है कि जो जो शासक है आपका जार है उसकी जो नीतियां हैं उन नीतियों का वो विरोध प्रारंभ से करते हैं। तो 1885 में इनके पिता की मृत्यु होती है, 1885 में और 1886 में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के क्रम में इनके बड़े भाई को फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, अब चूंकि इसका प्रभाव लेनिन पर ना पड़े इसलिए लेनिन को क्या कर दिया जाता है, शिक्षा लेने के लिए कजाकिस्तान और साथ ही जर्मनी भेज दिया जाता है। अब जब जर्मनी के विश्वविद्यालयों में लेनिन जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है तो वहां पर वह मार्क्स के विचारों से बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि मार्क्स जो है आपके कार्ल मार्क्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका जन्म भी जर्मनी में हुआ था और वो जो मार्क्सवादी विचारधारा है कि मजदूरों का जो कृषकों का शोषण हो रहा है और उस शोषण करने का जो प्रमुख जिम्मेदार है वो कौन है, यही पूंजीपति वर्ग है। तो इससे बहुत प्रभावित होते हैं लेनिन मार्क्स के विचारों से और जब वो मार्क्स के विचारों से प्रभावित होते हैं तो निश्चित तौर पर वो जब वापस आते हैं रशिया में तो 1901 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन करते हैं और इस पार्टी के माध्यम से वो शासन की जो सरकारी नीतियां हैं उन नीतियों का विरोध करते हैं और निश्चित तौर पर फिर इन्हें जो है तो पकड़ करके और 3 वर्ष के लिए साइबेरिया भेज दिया जाता है, मतलब कि वहां की जेलों में इन्हें कैद कर दिया जाता है। और इसके बाद यही रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी है जो 1903 में जो है मोन्सेविक और बोल्सेविक दल में बढ़ जाती है। ठीक है, चूंकि ये प्रारंभ में एक ही विचारधारा को मानने वाले लोग थे, जैसे मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसकी स्थापना 1885 में हुई, पहले तो ये कुछ लोगों का संगठन था लेकिन कालांतर में जब लोग इससे जुड़ते चले गए तो लोगों की विचारधाराओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। कहने का मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि जो मोन्सेविक था वो उदारवादी दल था और जो बोल्सेविक था वो प्रतिक्रियावादी दल था। उदारवादी व प्रतिक्रियावादी मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि गर्म दल और नरम दल, तो नरम दल था आपका कौन, मोन्सेविक, और गर्म दल था आपका बोल्सेविक। ये शांति स्थापित करके और शासन में परिवर्तन करना चाहता था कि हमें ना तो युद्ध लड़ना है, ना तो हमें किसी की हत्या करनी है, ना तो हमें हिंसा करनी है। ठीक है, हमें शांतिपूर्वक जो है शासन की नीतियों में परिवर्तन करके और हमें यहाँ पर जो है तो समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना करनी है। लेकिन जो बोल्शेविक दल के मेंबर थे जिनमें लेनिन प्रमुख था, स्टालिन प्रमुख थे, इनका मानना था कि हम शासन में परिवर्तन और सिर्फ क्रांति के द्वारा ही कर सकते हैं और वह क्रांति जो है सशक्त क्रांति होगी जो कि कृषकों और मजदूरों के द्वारा की जाएगी। तो इनका मानना कुछ ऐसा था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लेनिन के व्यक्तित्व से परिचित हो गए होंगे। इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम मिलता है इस्करा। इस्करा का रशियन भाषा में अर्थ होता है चिंगारी। इनका मानना था कि एक चिंगारी ही काफी होती है आग को लगाने के लिए। तो इस्करा समाचार पत्र में ही ये समाजवादी गतिविधियों को अपनी विचारधाराओं को प्रसारित करते थे और लोग जो है धीरे धीरे उनकी विचारधाराओं से जुड़ती चली गई और इसी के उपरांत जो है अक्टूबर नवंबर की क्रांति संपन्न होती है। तो ठीक है, अब अक्टूबर नवंबर की क्रांति के संबंध में अगर इसकी मैं पृष्ठभूमि समझाने की अगर प्रयास करूं मैं आपको कि अक्टूबर नवंबर की क्रांति क्यों होती है तो इसकी पृष्ठभूमि क्या होगी। ये जो मोन्सेविक दल के नेतृत्व में अस्थाई सरकार का गठन होता है और इस गठन के पश्चात इनके द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो रूस जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग अभी लेता रहेगा मित्र राष्ट्रों की ओर से, पहली बात, और दूसरी बात जो संपत्ति संबंधी अधिकार यथावत बने रहेंगे ये दूसरी बात। तो इन दोनों बातों का पुरजोर विरोध किया किसने, लेनिन ने अपनी पार्टी बोल्शेविक दल के द्वारा। ठीक है, चूंकि जनता जो मजदूर थी जो कृषक थी उसकी अपेक्षाएं कुछ ज्यादा थी अस्थाई सरकार से या कहें मोन्सेविक दल से,
लेकिन उन अपेक्षाओं को जो है तो दबा दिया गया इस दल के द्वारा। तो अब क्या हुआ, ये जो जनता थी, जो कृषक जनता है, जो श्रमिक जनता है, उसने साथ दिया फिर किसका, लेनिन का। और लेनिन ने क्या किया कि इस अस्थाई सरकार को भंग करके और अक्टूबर नवंबर में अपनी प्रथम रूस की पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। अब जो है सारी शासन सत्ता किसके हाथ में आ गई, अब लेनिन के हाथ में आ गई। तो यही जो परिवर्तन कहलाया रूस के परिदृश्य में, जो रूस के राजनीतिक परिदृश्य में, वही क्या कहलाया आपका, अक्टूबर व नवंबर की क्रांति। फिर अक्टूबर क्यों नवंबर को, तो वह मैं आपको बता चुका हूं कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में होगी और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति नवंबर में संपन्न मानी जाती है, क्योंकि दोनों कैलेंडरों के मध्य में 13 दिन का अंतर मिलता है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से अक्टूबर नवंबर की क्रांति संपन्न होती है और स्थायी सरकार को भंग कर दिया जाता है, प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है और बोल्शेविक दल के नेतृत्व में। बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन, तो आपका है व्लादिमीर इलियच उलियानोव। ठीक है, और इसके बाद ये फिर कुछ सुधार लाते हैं और यही वो व्यक्ति हैं कि जिनके नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति होती है। और साथ ही इसके बाद पुनः प्रश्न उठता है कि क्या रूस विश्व युद्ध में भाग लेता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है कि जब इनके इनके नेतृत्व में सरकार पहली साम्यवादी गठित होती है तो फिर वो जर्मनी से जो है तो सेंट सेंट स्टीफनो की संधि करते हैं और उस संधि के पश्चात रूस जो है विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। ठीक है, उसका काफी प्रभाव भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है रूस के ऊपर, क्योंकि जो इंग्लैंड है, जो फ्रांस है, वो रूस से खफा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था और जर्मनी से संधि, सेंट स्टीफनो की संधि करने के पश्चात अब जर्मनी और रूस जो है वो मित्रवत संबंध स्थापित कर लेते हैं साथ में। लेकिन रूस को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है कि उसको बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण थे उसके लिए, जो कि जहां पर कोयला था, जहां पर लोहा पाया जाता था, और उसकी अधिकांश जनसंख्या जो थी वो किसके कब्जे में चली गई, जर्मनी के कब्जे में चली गई। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था, जो कारण निकल कर सामने आता है कि चूंकि वहां की जनता जो है अब वो युद्ध को देखना नहीं चाहती, जो कि बहुत सारे लोग, लगभग रूस की ही मात्र करोड़ों लोग जो है तो उस युद्ध में मारे जाते हैं, और साथ ही वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी लगभग जर्जर हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए सबसे जरूरी पहला कदम ये था कि रूस को इसी विश्व युद्ध से जो है तो बाहर निकाल दिया जाए, और वही काम करता है आपका व्लादिमीर इलियच उलियानोव अर्थात लेनिन। तो अब हम बात करेंगे कि अब आपको समझ में आया कि जो फरवरी मार्च की क्रांति हुई वो क्यों हुई, अक्टूबर नवंबर की जो क्रांति हुई वो क्यों हुई, मतलब सिर्फ इतना ही है। अब इसके बाद जो प्रमुख कारण लिखे जाते हैं कि 1917 की क्रांति के प्रमुख कारणों को बताइए, तो निश्चित तौर पर यहाँ कारण कुछ अलग से नहीं है, कारण वही है कि रूस की सामाजिक स्थिति, रूस की आर्थिक स्थिति, जार की निरंकुशता, जार के रूसीकरण की नीति व कुछ दार्शनिकों का योगदान, लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, तो इस प्रकार यही सब कारण मिल करके जो है तो आपके रूस की 1917 की क्रांति को संभव बनाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं 1917 की क्रांति के प्रमुख कारणों की। चलिए तो अब हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक एक करेक्शन रह गया है, माफी चाहता हूँ मैं, कि हम अभी तक जो बात कर रहे थे कि जो रूस ने जब प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और उसके बाद जब लेनिन ने साम्यवादी सरकार की स्थापना की, तो रूस और जर्मनी के मध्य एक संधि हुई थी, तो अभी तक मैं वो नाम ले रहा था सेंट स्टेफनो की संधि, लेकिन वो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है। ठीक है, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा कि ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि के पश्चात जो है रूस और जर्मनी में संधि हुई और रूस फिर प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। चलिए, तो यहां पर अभी हम बात करेंगे रूसी क्रांति जो 1917 में हुई उसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो निश्चित तौर पर वर्ष 1917 में हुई रूसी क्रांति के पीछे हमें एक नहीं, हमें अनेक कारण देखने मिलते हैं, और उनमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो है कि रूस की जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, साथ ही मजदूरों और श्रमिकों की जो हीन दशा है, इसके बाद ये जो निरंकुश राजतंत्र है, वह जार निकोलस द्वितीय की ऐसी नीतियां हैं जो लंबे समय से रूस को उसकी अर्थव्यवस्था को जर्जर बना रही थी। तो यही सब एक सम्मिलित कारणों ने मिल करके 1917 की रूसी क्रांति को संभव या असंभवी बना दिया। तो उनमें से कुछ मैंने प्रमुख कारण लिखे हैं कि आप कौन कौन से कारणों को अब अपने एग्जाम में जब ये क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि उन कारणों में कि पहला है निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी जारशाही तंत्र, दूसरा है रूस जापान युद्ध का प्रभाव, और तीसरा है किसानों एवं मजदूरों की हीन दशा, चौथा है जार की रूसीकरण की नीति, और पांचवा है रूस में साम्यवाद का प्रसार, फिर है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, और फिर है आपका दार्शनिकों का योगदान, और आठवां कारण मिलता है यहाँ पर तात्कालिक कारण। ठीक है, अब इनमें से हम एक एक कारणों की चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो कुछ कारण ऐसे मिलेंगे आपको जो लगभग लगभग आप अगर आपने अभी तक के जो लेक्चर हमने लिया है अगर वो मैं पहला पार्ट ले लूं जिसमें हमने 1905 की क्रांति के बारे में पढ़ा था, या आज के लेक्चर की ले लूं, अगर आपने अच्छे से बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया है तो बहुत सारे कारण तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं पहला जो हमारा कारण है निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी जारशाही तंत्र। तो निश्चित तौर पर अभी हमने देखा कि रूस में लगभग 300 वर्ष पहले 1917 से 300 वर्ष पहले रोमानोव वंश की स्थापना हुई की थी। ठीक है, और इसके बाद जो है तो अलेक्जेंडर प्रथम आते हैं, अलेक्जेंडर द्वितीय शासक बनते हैं, तृतीय बनते हैं, और इसके बाद जारशाही या जार निकोलस द्वितीय जो है रूस के शासक बनते हैं। अब ये भी निरंकुश थे एकदम, ये हठ धर्मिता इनमें बहुत अधिक थी। ठीक है, कि किसी की बात को सुनना नहीं था, लेकिन इनके ऊपर भी जो था जार निकोलस द्वितीय जो थे, जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी उनका नाम अलेक्जेंड्रिया था, लेकिन उनका नाम एक जरीना भी मिलता है, जरीना इनकी पत्नी का नाम था, तो जरीना का बहुत प्रभाव था जार निकोलस द्वितीय की नीतियों के निर्माण में और साथ ही उनके व्यक्तित्व में भी। लेकिन इस जरीना पर, इनकी पत्नी पर एक साधु थे जिसका नाम मिलता है रासपुतिन। ठीक है, इस रासपुतिन का प्रभाव था उनकी पत्नी जरीना पर, और जरीना का प्रभाव मिलता है जार निकोलस द्वितीय पर। तो निश्चित तौर पर ये जो साधु थे रासपुतिन, ये प्रशासनिक तंत्र में किस अधिकारी की नियुक्ति करना है, किसका उसको हटा देना है, किसका स्थानांतरण करना है, ये सब किस कौन देखता था? रासपुतिन देखता था। तो शासन तंत्र में उसका वर्चस्व भी स्थापित हो चुका था, जिससे कि एक ऐसा विरोधी तंत्र निर्मित हो गया जो कि रासपुतिन के विरोध में आ गया, और लगभग 1916 में ही रासपुतिन की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इन सब संयुक्त प्रयासों ने मिलकर के जो है तो 1917 की क्रांति को असंभवी बना दिया। इसके बाद हम भ्रष्ट अधिकारियों की भी बात करते हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक तंत्र था फ्रांस में इस समय पर, उसके जो उच्च अधिकारी वर्ग थे वो भी इस हद तक भ्रष्ट थे। ठीक है, कि वो अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग करते और सिर्फ वो राजा को खुश करने के लिए राजा की नीतियों का पालन करते थे, जिससे कि वहां का जो मजदूर वर्ग था, जो सामान्य वर्ग था, वो इस भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी या हम कहें राजा के विरोध में आकर के खड़ा हो गया, और 1917 की क्रांति का ये प्रमुख कारण बना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका कि रूस जापान युद्ध का प्रभाव। हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी कि रूस जापान युद्ध के फलस्वरूप ही जो पेट्रोग्राड की सड़कों पर रूस खूनी रविवार की घटना घटित होती है। ठीक है, और इस घटना के प्रतिरोध में ही जब जनता सड़कों पर उतरती है तो राजा के द्वारा जो है मजबूरी में आकर के ड्यूमा की स्थापना करनी पड़ती है। ठीक है, 30 अक्टूबर 1905 में। फिर कालांतर में आप देखेंगे कि जार व ड्यूमा के सदस्यों के मध्य जो है संघर्ष पनपता है, जन्म लेता है। ठीक है, चूंकि दोनों के मध्य अपने अपने अधिकारों की या अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई होती है, ड्यूमा के सदस्य अलग चूंकि उनके अधिकार कुछ अलग थे और राजा के अधिकार चूंकि कम हो रहे थे, तो इन दोनों के मध्य गतिरोध होना प्रारंभ हुआ, और यही गतिरोध जो है अंततः हमें 1917 की क्रांति के रूप में दिखलाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है कि किसानों एवं मजदूरों की हीन दशा। अब ये कैसे कारण बनता है 1917 की क्रांति का? चूंकि हम इस ये जो समय है 1917, इस समय तक लगभग रूस में भी औद्योगिक क्रांति का प्रसार शुरू हो जाता है। तो औद्योगिक क्रांति के दौर में होता क्या है कि बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है रूस में। तो उन उद्योगों की स्थापना के लिए रूस के जो किसान है उन किसानों से जबरदस्ती उनकी कृषि भूमि को ले लिया जाता है, जिससे कि अधिकांश कृषक जो है वो भूमिहीन हो जाते हैं और उनको मजबूरन जो है उद्योगों में काम करना पड़ता है। और उद्योगों में काम भी करते हैं वो, तो उनकी आय इतनी कम होती है कि वो अपना भरण पोषण भी सही ढंग से नहीं कर पाते। साथ ही शासक वर्ग के द्वारा ऐसी नीतियों का निर्माण भी किया जाता है कि जो उनके विपरीत सिद्ध होती हैं।
अब बात करते हैं मजदूरों की स्थिति में, तो हमें पता है कि मजदूर जो कि औद्योगिकरण में मजदूर ही वो पहली प्राथमिक सीढ़ी होते हैं जो किसी भी उद्योग के सफल व असफल के पीछे कारण बनते हैं। तो इन उद्योगों से काम तो अथाह लिया गया लेकिन उनकी सुविधाओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया उद्योगपतियों के द्वारा या पूंजीपतियों के द्वारा, जिससे कि इनकी दशा जो है किसानों की मजदूरों की वो बहुत बिगड़ चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी। ठीक है, तो यही फिर अंततः मिल करके हमने पढ़ा है कि क्रांतिकारी सोवियत दल का भी गठन करते हैं मजदूर और सैनिक मिल करके, जो कि 1917 की क्रांति का प्रमुख कारण बनते हैं। ठीक है, तो इनकी दशा, इनकी जर्जर दशा, इनकी शोचनीय दशा भी एक प्रमुख कारण बनती है। इसके बाद नेक्स्ट है जार की रूसीकरण की नीति। हमने पढ़ा है कि जार निकोलस द्वितीय ने एक अपना एक अभिकथन दिया था कि एक जार एक रूस और एक धर्म। ठीक है, तो निश्चित तौर पर उस समय की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में रूस की जो सामाजिक स्थिति थी उस स्थिति में हमने देखा था कि जो रूसी भी जनजाति भी है, पोल भी है, फिन भी है, ततार भी है, अर्मेनियन, मतलब विभिन्न जाति के लोग वहां पर निवास करते हैं। ठीक है, और उस जाति के द्वारा भी विभिन्न धर्म व संप्रदाय को मान्यता प्राप्त है, मतलब वो लोग विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। जबकि जार में जो जार का जो जो रूस का जो राजधर्म था वो आपका यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च था। ठीक है, इसके विपरीत जो जार ने जो ये नीतिकरण अपनाई उसके अंतर्गत उसने ऐसी नीतियों का निर्माण किया कि ये जो अन्य जाति या धर्म को मानने वाले लोग थे ये या तो रूस को छोड़कर चले जाएं या तो अपनी संपत्ति में से अपना अधिकार छोड़ दें। तो इस प्रकार की नीतियां जो निर्मित की गई जार के द्वारा उन नीतियों ने ही जो है तो इन सभी जातियों को क्रांति के विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया और यही सारे लोग मिलकर के 1917 की क्रांति को संभव बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें रूस में साम्यवाद का प्रसार। अब हमने अभी बात की कि रूस में चूंकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग हैं इन्होंने अपना संघ निर्मित करना चालू कर दिया। जब संघ बनाना चालू कर दिया तो इन संघों को प्रभावित करने के लिए जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लोग थे, साम्यवाद की विचारधारा से प्रभावित लोग थे, वो उस दल में अपने विचारों का आदान प्रदान करने लग गए। अब चूंकि समाजवाद जो कि मार्क्सवादी विचारधारा है जो कि मजदूरों की शोषण का उनकी इस शोचनीय दशा का प्रमुख उत्तरदायित्व किसे मानता है, इस पूंजीपति वर्ग को ही मानता है। ठीक है, तो कालांतर में यही श्रमिक वर्ग लोगों ने क्या किया कि उन पूंजीपति वर्ग या उन उद्योगपतियों के विरुद्ध जो है संघर्ष करना या क्रांति करना स्टार्ट कर दिया और यही विचारधारा जो है 1917 की क्रांति का एक प्रमुख कारण भी मानी जाती है। चलिए इसके बाद बात करें प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। तो हमने देखा था कि 1914 में जब रूस जो है मित्र राष्ट्रों की ओर से विश्व युद्ध में शामिल होता है लेकिन 3 वर्षों में ही रूस की अनेक क्षेत्रों में जो है पराजय संभव हो जाती है। साथ ही रूस को अपनी सेना का अधिकांश भाग खोना पड़ता है और इस हार के साथ ही रूस की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था भी 1917 की क्रांति का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका दार्शनिकों का योगदान। दोस्तों कहा यह जाता है कि विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई उन सभी क्रांतियों में दार्शनिकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। अगर इस संबंध में मैं बात करूं तो एक महान शासक नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में नेपोलियन ने कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। संभवतः यहां पर भी कुछ हम दार्शनिकों के बारे में बात करेंगे लेकिन अभी तक का जो समाज है रूस का, उस रूस के समाज को पाश्चात्य विचारों से जनता जो है कनेक्ट ना हो पाए, संबंध ना रख पाए, इसका अथक प्रयास किया था जार ने, निकोलस द्वितीय ने। लेकिन फिर भी यहाँ पर टॉलस्टॉय हो गए, दोस्तोवस्की हो गया, तुर्गेनेव हो गया, गोर्गी हो गए, ये कुछ ऐसे दार्शनिक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है युद्ध एवं शांति, वॉर एंड पीस। ठीक है, तो इन दार्शनिकों ने अपना प्रभाव डाला रूस की जनता पर और मोस्टली रूप से जो रूस का युवा वर्ग था इन दार्शनिकों की विचारधाराओं से, इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के उपरांत ही ये जो युवा वर्ग था ये शासक वर्ग के विरोध में आ गया और 1917 की क्रांति के को उत्तर को असंभावी बना दिया। ठीक है,
चलिए, तो इनको इनके नाम आपको याद रखने हैं, टॉलस्टॉय, दास्तोविस्की, तुर्गेनेव और गोर्गी। ये प्रमुख दार्शनिक हैं रूस के, ठीक है, और इन्हीं की विचारधाराओं से प्रभावित होती है रूस की जनता। अब नेक्स्ट है आपका तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारणों का संबंध मोस्टली आप प्रथम विश्व युद्ध से ही जोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि उस समय पर प्रथम विश्व युद्ध ही चल रहा होता है 1917 के आसपास। तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो परिस्थितियां उपजी, जैसे कि रूस की अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल होना, ठीक है, उस समय तक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई थी रूस में कि 1914 में जो जिस वस्तु का मूल्य अगर 1 रुपया है, तो 1917 में उसी वस्तु का मूल्य 700 रुपया हो गया। मतलब कि सोचिए कि 700 गुना महंगाई जो है रूस में बढ़ चुकी थी। साथ में कृषि या जो अनाज का उत्पादन था वो भी लगभग लगभग बंद हो चुका था, उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, ठीक है। तो ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत, इन्हीं परिस्थितियों ने लोगों को मजबूर किया कि वो अपने शासक के विरुद्ध जो है गतिरोध या विरोध को जन्म दें, और यही लोग जो है सड़कों पर उतर आए, और जिन्होंने फिर अंत में चल करके अस्थाई सरकार की स्थापना के रूप में एक अस्थाई सरकार को स्थापित किया, और यही प्रमुख तात्कालिक कारण बनता है 1917 की क्रांति का। तो निश्चित तौर पर अभी हमने इन सब बिंदुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है, तो ठीक है, तो इतना कुछ मुझे नहीं लगता कि आपको ना समझ आने वाली ऐसी कुछ कुछ यहाँ पर मैंने बिंदु लिखा है। तो अभी हमने सारी चीजों के बारे में पहले हमने बात कर रखी है, तो यहाँ पर ज्यादा विस्तृत तरीके से मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये था 1917 की क्रांति के प्रमुख कारण। एक बार आप इनको देख सकते हैं, इन बिंदुओं को आप याद रख सकते हैं। तो याद रखने का लिए ये जरूरी नहीं कि आप इनको रटने बैठ जाएं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर आपने पिछली पृष्ठभूमि को आपने देखा है, आपने पढ़ा है, उसको महसूस किया है, तो अपने आप ये बिंदु उभर कर सामने आ जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 1917 की क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या हुआ, इसका क्या प्रभाव निकला। तो चलिए अब बात करते हैं रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के महत्व और उनके परिणामों के बारे में। तो अभी तक समझना ये है आपको, अब रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति 1917 की संपन्न हो चुकी है। अब फ्रांस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो चुकी है लेनिन के नेतृत्व में। अब जब लेनिन सरकार का प्रमुख बनता है, तो लेनिन ने जो प्रमुख कार्य किए उसके अंतर्गत प्रमुख कार्यों में रूस को विश्व युद्ध से बाहर निकालना था, और इसी के अंतर्गत जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि भी की जाती है, और साथ ही जो भूमि थी, कृषक भूमि थी, और उन भूमियों पर जो उच्च वर्गों का अधिकार था उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और कृषि भूमि को किसानों में वितरित कर दिया गया। उद्योगों में जो पूंजीपति वर्ग का, उद्योगपतियों का जो स्वामित्व था उसको समाप्त करके, और उद्योगों में श्रमिकों के स्वामित्व को भी स्वीकार कर लिया गया। तो ये कुछ प्रमुख सुधार किए गए लेनिन के द्वारा क्रांति के पूर्व। लेकिन हम बात करते हैं बोल्शेविक क्रांति के महत्व, उसके परिणामों की। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं, जिनमें सबसे पहला है रोमानोव वंश का अंत हो जाता है, साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जाती है, विश्व के देशों का 2 वैचारिक गुटों में बंटना ये बड़ा महत्वपूर्ण इसका परिणाम था। इसके बाद मजदूरों व किसानों की दशा में सुधार होता है निश्चित रूप से, क्योंकि साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी जाती है, जहां पर वर्ग विभेद समाप्त हो जाते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु है आपका वर्ग भेद की समाप्ति, और नेक्स्ट है आपका शिक्षा में सुधार और कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है। तो अब पहला जो बिंदु है हमारा रोमानोव वंश का अंत, तो हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि 1613 ईस्वी में मिखाइल रोमानोव नामक व्यक्ति ने रूस में रोमानोव वंश की स्थापना की, ठीक है। तो कब की, 1613 में, और ये क्रांति संपन्न होती है 1917 में। तो लगभग 300 वर्षों के अंतराल का जो इतना विशाल साम्राज्य था, जो इतने शासक आए यहाँ पर, उस उन शासकों का या जारशाही की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। हमने देखा था कि जो फरवरी या मार्च की क्रांति में ही जो जार निकोलस द्वितीय है वो अपना सिंहासन त्याग देता है, और प्रथम स्थायी अस्थायी सरकार की स्थापना की जाती है रूस में। तो इसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकलता है बोल्शेविक क्रांति का, कि रोमानोव वंश की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका साम्यवादी सरकार की स्थापना। तो हमने देखा है कि इसी क्रांति के फलस्वरूप रूस पे लेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर नवंबर की जो क्रांति होती है उसके पश्चात
रूस में पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना की जाती है, और यह साम्यवादी सरकार जो कि मजदूरों और श्रमिकों के साथ मिलकर के कार्य करती है और उनके हितों के बारे में बात करती है, ठीक है, तो साम्यवादी सरकार की स्थापना होना। फिर नेक्स्ट है आपका प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। तो निश्चित तौर पर कि जब लेनिन साम्यवादी सरकार की स्थापना करते हैं तो जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि होती है, और इसी संधि के पश्चात जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलता है। और लगभग ये जो घटना घटित होती, जो कि आपको ध्यान में ये रखना है कि अक्टूबर नवंबर 1917 में क्रांति होती है, और उस क्रांति के पश्चात लगभग 1918 में रूस बाहर निकलता है प्रथम विश्व युद्ध से, और कुछ महीनों के उपरांत ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। और संभव था कि अगर रूस बाहर प्रथम विश्व युद्ध से बाहर नहीं निकलता तो वह युद्ध थोड़ा और लंबा चल सकता था, ठीक है। इसके बाद है विश्व के देशों का दो वैचारिक गुटों में बट जाना। अब चूंकि रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है, ठीक है, जहां पर मजदूरों या कृषकों की सरकार कही जाती है ये, तो अब इसके अंतर्गत रूस का अत्यधिक विकास भी होता है, ठीक है, वहां पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं, कृषि का विकास किया जाता है जिससे कि उत्पादन क्षमता रूस की बढ़ जाती है। तो इन सब कारणों से होता क्या है कि रूस अब इस साम्यवादी विचारधारा का जो प्रसार है वो यूरोपीय देशों में भी करना चाहता है। लेकिन अभी स्थिति क्या है, क्रांति पूर्व की मैं बात बताऊं आपको, तो क्रांति के पूर्व जो है पूंजीवादी विचारधारा है वो अपनी पकड़ तो मजबूत किए हुए था, लेकिन जो साम्यवादी व समाजवादी विचारधारा है उसका अभी जन्म हो रहा था, ठीक है। लेकिन क्रांति के पूर्व क्या हुआ, ये जो साम्यवादी विचारधारा है इसने रूस में रूस का जो है कायाकल्प कर दिया, वहां की जो अर्थव्यवस्था थी उसको सुदृढ़ कर दिया। तो विश्व के अनेक देशों ने भी साम्यवादी विचारधारा की ओर अपना झुकने लग गए वो। तो अब चूंकि पूंजीवादी विचारधारा पहले से चल रही थी, साम्यवादी विचारधारा ने अब पकड़ अपनी मजबूत की, तो अब विश्व दो जो है तो वो दो गुटों में बढ़ चुका था, एक ऐसे गुटों में जो पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले थे, और दूसरा ऐसे देशों का गुट था जो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका मजदूरों व किसानों की दशा में सुधार। तो निश्चित रूप से क्रांति के पूर्व अभी तक जितनी भी नीतियां थी वो इनके विपरीत बनाई गई थी। अब क्रांति जब संपन्न हुई, लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो जो भूमि थी, कृषक भूमि थी, वो पूंजीपतियों से लेकर के किसानों में बांट दी गई, और जो उद्योग थे उन उद्योगों पर इन श्रमिक वर्गों का भी स्वामित्व को स्वीकार कर लिया गया, जिससे धीरे धीरे इनकी स्थिति सुदृढ़ हुई और इनकी दशा में सुधार हुआ। फिर नेक्स्ट है वर्ग भेद की समाप्ति। तो वर्ग भेद की समाप्ति के क्रम में क्रांति के पूर्व की मैं बात करूं तो रूस में दो वर्ग के लोग थे। एक ऐसा वर्ग था जिसमें शासक वर्ग आते थे, उच्च अधिकारी थे, चर्च वो पादरी वर्ग के लोग थे। तो एक ऐसा वर्ग था जिसमें जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, और दूसरा वर्ग जिसमें सामान्य जनता आती थी, जिनमें कृषक थे, आपके मजदूर थे, ठीक है, तो ये विशेषाधिकारहीन वर्ग था। जब यह क्रांति संपन्न हुई तो सभी प्रकार के विशेषाधिकारों के समाप्त कर दिए गए, जिनको प्राप्त था उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। तो कुल मिलाकर क्रांति के बाद क्या हुआ, अब समाज में कोई भी ना तो उच्च वर्ग है ना तो निम्न वर्ग है, अब सभी वर्ग क्या है, एक समान रूप से अब वहां पर रह रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। तो वर्ग भेद की समाप्ति भी इस क्रांति का प्रमुख परिणाम रहा। इसके बाद शिक्षा में सुधार। तो हमने अभी तक देखा था कि क्रांति के पूर्व जो रूस में शिक्षण देने का काम किया जाता था वो चर्च के द्वारा या पादरियों के द्वारा दिया जाता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा का ही रूप था, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक शिक्षा क्रांति के पूर्व, क्रांति के बाद जो है लोगों को दी जानी प्रारंभ की गई, और इसके लिए रूस में कई विश्वविद्यालय खोले गए, ठीक है, कई पुस्तकालयों की भी व्यवस्था वहां पर की गई। कहा यह जाता है कि क्रांति के समय लगभग रूस में 91 शिक्षण संस्थान थे, जो कि 1920 और 21 में लगभग 250 विश्वविद्यालय वहां पर निर्मित किए गए, और इसके बाद कुछ वर्षों में वहां पर लगभग इन विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 350 हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार शिक्षा की में भी वहां पर सुधार किया गया।
और नेक्स्ट है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो निश्चित रूप से ये जो साम्यवादी सरकार है ये वंचित वर्गों के हितों की बात करता है, जो कि कृषक हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, इनकी स्थिति में सुधार करने की बात करता है। तो इस सरकार की स्थापना के साथ ही वहां पर कल्याणकारी राज्य की भी स्थापना की गई। तो ना सिर्फ इतने ही परिणाम हमें देखने मिलते हैं, बल्कि आप और परिणाम को भी काउंट कर सकते हैं, जैसे वहां पर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जाने लगा, कृषि क्षेत्र में सुधार किया गया, महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ, वहां पर लोगों को जो है तो संपत्ति की का अधिकार, लोगों को राजनीतिक अधिकार, उनको सामाजिक अधिकार भी प्रदान किए गए। साथ ही लोगों को, महिलाओं को पहली बार जो है क्रांति के बाद जो है मताधिकार का भी अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख परिणाम है जो क्रांति के बाद हमें रूस की राजनीतिक, उसकी सामाजिक, उसकी धार्मिक, उसकी आर्थिक व्यवस्था में हमें देखने मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका रूस की क्रांति, अब चूंकि इसके बाद फिर वही हम लेनिन को पढ़ते हैं, लेनिन के बाद जब उनकी मृत्यु होती है 1924 के बाद, हम स्टालिन को पढ़ते हैं, उनकी नीतियों को पढ़ते हैं, और इसके बाद आपको पता है कि रूस में यही साम्यवादी सरकार लगभग संचालित होती है 1991 तक, जिसको हम USSR के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि 1991 में USSR का क्या हो जाता है, विघटन, और साम्यवादी विचारधारा असफल सिद्ध होती है रूस के लिए। लेकिन आज भी एक ऐसा देश है जो इसी मार्ग पर चल रहा है, और वो है आपका चाइना, चीन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका रूस की क्रांति, जिसको हम 1905-1917 के संदर्भ में हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप चीजों को, उनकी परिस्थितियों को, आप अगर पृष्ठभूमियों को समझते चलेंगे, तो आपको जो पढ़ना है उसको समझने में दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने बात की 1905 की, तो आप पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझे, 1917 की क्रांति को, उनके कारणों को पढ़ना है तो आप उसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें। और ये एक विषय में नहीं, ये सभी विषयों में ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पकड़ उस विषय विशेष में अच्छी रहेगी, और आपको बार बार भूलने की जो आदत होती है, बीमारी होती है, इससे निजात भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस टॉपिक की समाप्ति के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम प्रथम विश्वयुद्ध करेंगे, और इसके बाद द्वितीय विश्वयुद्ध पर। तो थैंक यू, धन्यवाद, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।